हेलो स्टूडेंट, की हाल चाल ने सारिआं दा? आपां कर रहे हां 8.1 एक्सरसाइज मैथ 10th क्लास, जिस नाल संबंधित आपां कल तीसरा सम कीता सी। अज आपां करांगे चौथा सम। उम्मीद करदा कि तुहानूं सब कॉन्सैप्ट है जिहड़ा वो क्लीयर हो जाएगा। जिवें कि आपां नूं क्वेश्चन दिता होया है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड आउट साइन ए ते सैक ए। इस सम नूं आपां सॉल्व करांगे। सम नूं सॉल्व करन लग्या पहलां आपां एक राइट एंगल ट्राइएंगल जिहड़ी हुंदी है उस नूं बना लेना है। इहनूं आपां नाम देना है ए दा, इहनूं बी दा, इहनूं आपां सी दा नाम देना है। तो जिवें कि मैं कल वाली वीडियो दे विच दस्या सी, ये अपने कोल कर्ण हुंदा है जी, ये अपने कोल आधार हुंदा है, ये अपने कोल लंब हुंदा है, यानी कि हाइपोथिनस हुंदा है, हाइपोथिनस हुंदी है, इहनू बेस कहिंदे आ जी इंग्लिश दे विच, इहनू पर पेंडिकुलर कहा जांदा जी। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਨ, ਕੋਸ, ਟੈਂਜੈਂਟ, ਸੀਕੈਂਟ, ਸੋਰੀ ਕੋ ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸੀਕੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੰਬੂ ਆਇਆ, ਲੰਬੂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ आया, लंबू आया, लंबू। इंग्लिश के जेडे बच्चे है गया, वो भी इसनों यूज़ कर सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, इत्थे आप कह सकते हैं हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। तो इहदा मीनिंग की हो गया बेटे, पी मीने परपेंडिकुलर, एच मीने हाइपोथिनस, बी मीने बेस, एच मीने हाइपोथिनस, पी मीने परपेंडिकुलर, बी मीने बेस। हुण जिवें कि आपां नूं क्वेश्चन दिता होया 15 cot A = 8, तो आपां की करांगे, cot A = 8 बाय आ जो 15 दिता होया है, इस नूं आपां 8 दे बाय कर लांगे। तो अपने कोल यानी कि कोट की वैल्यू दिस वन आ जाती है। हुण आपां इत्थे देखांगे, अपने कोल कोट है जिहड़ा वो आपां नूं की दित्ता होया, आधार बटा लंब, यानी कि 8 दी जो वैल्यू है अपने कोल बेस है, यानी कि आधार है, ते जो अपने कोल 15 दित्ता होया है वो अपने कोल परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब दित्ता होया है, यानी कि आ वैल्यू अपने कोल 15 दित्ती हुई है, ये वैल्यू अपने कोल 8 दित्ती हुई है, ते हाइपोथिनस आपां कढ़ना। तो मैं जिमें कि तुहानू दिता सीगा कल फार्मूला, करण स्केयर बराबर आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर, ए पाइथागोरस थ्यूरम जिहड़ी हुंदी है बेटे, उहदा एक फार्मूला हुंदा। आधार दिता होया बेटे वो आपां नूं 8 दिता होया, आपां 8 दी स्केयर कर लांगे, जिहड़ा लंब दिता वह 15 दिता होया, 15 दी स्केयर कर लांगे। 8 दा जदों स्केयर रूट लवांगे तां 8 दा स्केयर रूट 64 हुंदा, 15 दा स्केयर रूट लवांगे तां वह हुंदा 225। तो इन्हों आप ऐड कर देंगे, 5 + 4 = 9 हो गया, 22 दे विच 6 जोड़ांगे 28, ठीक है जी। तो अपने को बन गया, जो बन गया ये बन गया करण का स्केयर। जदों आप करण दे इक्वल करांगे, यानी कि हाइपोथिनस दे इक्वल करांगे, तो जिहड़ा स्केयर है इहदे नाल इस चीज़ का स्केयर बन जाएगा, जो अपने को निकल के आएगा 17, यानी कि 17 × 17 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ 289, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 17 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਕੱਟ ਦਿਉ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹਾਈਪੋਥਿਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 17, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इस तरीके दे नाल अपने कोले जो हाइपोथिनस है उनकी वैल्यू है जिहड़ी वो 17 आ जाती है।
उन्होंने अपन कहा भी आप साइन ए की वैल्यू पता करनी है तो साइन ए है जो अपन दिता हुआ लंब बटा करण यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोथिनस यानी कि परपेंडिकुलर अपने को 15 सी हाइपोथिनस अपने को 17 आ गया तो इनका रिजल्ट आह आ जाता जी अपने को। उस तो बाद उन्होंने अपन दी है सैक की वैल्यू पता करने के लिए क्या है तो सैक है जोड़ा वो अपन आह चीज़ दिता है जो कि होंगे गा करण बटा आधार के बराबर तो हाइपोथिनस बटा बेस होंगी है। हाइपोथिनस है भीरे वो अपने को 17 आया है तो बेस है जोड़ा वो अपने को 8 आया है। इस तरीके आप साइन दियाँ ते सैक दियाँ वैल्यूज है जिहड़ियां वह फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करदा कि तुहानू यह सम प्रोपर समझ आ गया होगा। जेकर तुहानू यह सम वधिया लग्या प्रोपर समझ आया प्लीज़ मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो लाइक करो शेयर करो। तुहाडे एक लाइक दे नाल तुहाडे सबसक्रिप्शन दे नाल मैनू हौसला मिलता तो मैनू नवीं वीडियोज़ पाउण दा भी मन करदा। नैक्सट वीडियो फिर मिलांगे एक नवा सम लैके। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाय।